नमस्ते रुचिरा में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ चटपटा खाने का मन तो करता ही है। खास इस मौसम के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटे मसालेदार दाल वड़ा। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते, चटनी या सॉस के साथ इन्हें सर्व किया जाता है। बारिश के मौसम में इन्हें खाने का मजा कुछ और ही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप उड़द दाल। उसी कप से मैंने लिया है 2 कप चना दाल। अब इसमें पानी डालकर 2-3 घंटे तक इसको भिगो के रखना है। आप ओवरनाइट भी इसको सोक करके रख सकते हैं और सुबह इसका वड़ा बना सकते हैं। दो तीन घंटे बाद आप देख सकते हैं दाल अच्छे से भीग गई है। अब इसको 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और इसमें सारा पानी निकाल देंगे। अब इसको अलग अलग ही मिक्सर में पीसना है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दोनों दाल को अलग अलग से इस तरह से दरदरा सा पीस के लेना है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब हम दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 बाउल बारीक कट किया हुआ ताजा धनिया, 4-5 बारीक कट किए हुए कड़ी पत्ता। ये मैंने फ्रेश कोकोनट इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट करके रखा था, उसको ऐड करेंगे। 2-3 हरी मिर्च बारीक कट करके रखे थे वो भी ऐड करेंगे। इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हमारा दाल वड़ा का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसको इस तरह से प्रेस करके टिक्की का शेप देना है। आपको जितना बड़ा दाल वड़ा बनाना है उतना बड़ा आप टिक्की बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज का दाल वड़ा बना रही हूँ। इस तरह से मैं सारा टिक्की बना के तैयार कर लेती हूँ। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, एक एक करके दाल वड़ा इसमें डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी और बाहर से भी क्रिस्पी बन जाए। 3-4 मिनट बाद इनको पलट देंगे। आप देख सकते अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब ये दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देख सकते कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको टिश्यू पेपर पर निकाल देते हैं। इसी तरह से सारे दाल वड़ा मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं 3-4 हरी मिर्च भी तेल में फ्राई कर लेती हूँ। मिर्ची के साथ दाल वड़ा और भी चटपटे लगते हैं। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। मैंने यहाँ पे सॉस के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहिए तो हरी चटनी भी इसके साथ बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार तो जरूर ट्राई करना। घर में जो इंग्रेडिएंट्स है उसी से ये बनकर तैयार हो जाता है।
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।